हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। और आज मैं यहां पर डेवलपमेंट दिखाने वाला हूं आपको पटौदी रोड के ऊपर कि क्या कुछ काम किया जा रहा है पटौदी रोड पे। और साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट आपको दिखाने वाला हूं, वो है सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 37D में प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर का। ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि अपने देश का सबसे पहला 16 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होने वाला है, ये लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के क्वार्टर वन में पूरे इंडिया में प्रॉपर्टी का जो ग्रोथ रहा है वो रहा है 8% का। दिल्ली NCR की बात करूं तो यहां पर रहा है दिल्ली NCR में 16% का। और जब बात आती है द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास की, तो इस जगह पर ग्रोथ रेट रहा है 59% का। और इसी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए मैंने आपको एक सजेस्ट भी कर दिया भाई, सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 37D में प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर, अपना घर खरीद लो भाई। नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर लो और कर दो एक फ्लैट बुक। चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ इस जगह से और भी आगे और दिखाता हूँ कि पटौदी रोड पे क्या कुछ काम किया जा रहा है फिलहाल। लेकिन मेरे पीछे का नज़ारा देखोगे तो बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस बनकर तैयार हो चुका है। इसका ये जो सर्विस लेन का पार्ट देख रहे हो, ये जो एलिवेटेड है ये भी स्टार्ट हो चुका है। नीचे सर्विस लेन का जो हाईवे का पार्ट है ये भी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर लेन मार्किंग भी कर दी जा चुकी है जी। लेकिन आज द्वारका एक्सप्रेस की बात नहीं होगी, आज तो पटौदी रोड की बात होने वाली है भाई। चलो चलते हैं भाई और देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आज के इस अपडेट को हम और आप साथ मिलकर देखें भाई, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे क्या है ना मोटिवेशन मिलता है। सो भाई, ये जिस जगह पर मैं आपको लेकर आ चुका हूं ये है सेक्टर 98। और इस जगह पर पटौदी रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, 6 लेन का होगा एक्सप्रेस लेन और 4 लेन का होगा सर्विस रोड। पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल होगा ये। एक साइड आपको 5 लेन मिलेगा, 2 लेन का सर्विस रोड होगा, 3 लेन का आपको मेन कैरेज वे होगा। जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, ये 3 लेन का मेन कैरेज वे है जिसे कि एक्सप्रेस लेन कहते हैं। इसके बीच में यहाँ पर देखोगे तो आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा जिसकी मदद से सर्विस रोड और जो मेन कैरेज वे है वो डिवाइड हो जाता है। और एक्सेस के जरिए ही आप सर्विस रोड से मेन कैरेज वे पे आ सकते हैं। और उसी का काम इस जगह पर किया जा रहा है। और ये यहाँ पर देखेंगे तो मेन कैरेज वे के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है वो तो इस जगह पर कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल जो यहाँ पर काम किया जा रहा है ना भाई, वो काम किया जा रहा है सर्विस रोड के ऊपर और इनफैक्ट मेन कैरेज वे पे भी काम किया जा रहा है। यहाँ इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो अलाइनमेंट है ना, ये ग्रीन फील्ड का हो जाता है, एक नया अलाइनमेंट बनाया जा रहा है। क्योंकि ये जो पुराना पटौदी रोड है ना, इस पे अगर आप देखोगे तो इसी रोड पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो बहुत घनी आबादी के बीच से ये जा रहा है, तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। वो इसलिए भाई क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं उनको हटाना पड़ता, तो इसी वजह से यहाँ से रूट को डाइवर्ट किया गया है और ये सीधा यहाँ से डाइवर्ट करके द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट किया गया है। और इस तरफ आप जाओगे तो आप पटौदी जा सकते हो भाई और आप रेवाड़ी भी जा सकते हो। वैसे ये जो पटौदी रोड है ना, इसकी खासियत अगर बताऊँ ना तो ये एक पहला हाईवे है जो कि 2 एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। पहला कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे को इस तरफ, और दूसरा कनेक्ट करता है ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, जिसे कि KMP एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। और इस तरफ जाओगे तो ये कनेक्ट कर रहा है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को। उस तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन फिलहाल काम की बात यहाँ पर कर लेते हैं कि इस जगह पर कितना कुछ काम हुआ है। और इस जगह को न्यू गुरुग्राम भी बोलते हैं। सेक्टर 97, 98 ये सारे सेक्टर यहीं पर आपको दिखेंगे, ये जो देख रहे हो ना ये सारे सेक्टर है भाई।
और इस जगह पर यहाँ पर बनाया जा रहा है 10 लेन का ये पूरा हाईवे 5 लेन इस साइड। और ये जो देख रहे हो ये है इसका लोकेशन भाई, इसी जगह से मैं आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखा रहा हूँ। देखो वैसे तो मोस्टली इस पे क्या है, हाइवे का पार्ट है इस जगह पे, ब्राउन फील्ड अलाइनमेंट है ये, मतलब कि ये पुराना रोड था उसी में लेन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी वैसे दिख रहा होगा कि ये जो अलाइनमेंट गुजर रहा है उसके पैरेलल में ही ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन इसके बीच में नहीं है, ये बहुत साइड में ही है, तो इसलिए प्रोजेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसी वजह से आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी दिखता है। वैसे देखोगे तो इस जगह पर ये हाईवे का पार्ट है, बीच में ग्रीन पट्टी लगाने के लिए यानी कि पेड़ पौधे लगाने के लिए यहाँ पर जगह भी दी जा रही है, और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी है। तो होगा क्या कि बारिश के दिन में ना, चाहे वो सर्विस रोड का पानी हो या फिर ये मेन कैरेज वे का, इन दोनों का इस ड्रेनेज में जा सकता है, जिससे कि बहुत आसानी होगी हमें आपको ड्राइव करने में। और वही यहाँ पर NHAI बना रही है इस जगह पर। वैसे देखोगे इस पॉइंट पे तो यहाँ पर एक रोड है जिसको कि ये क्रॉस कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन में आप ना फंसे, इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा। फ्लाईओवर के हिस्से पे अगर काम की बात करूं तो रैंप का जो हिस्सा है ना उस पे आड़ी वॉल का काम कर दिया जा चुका है, यानी कि कंक्रीट का पहले ये वॉल लगाते हैं और इसके बीच में अर्थवर्क का काम करते हैं और फिर ये रैंप का हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। और इस पे अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग वाले हिस्से में जब आप गुड़गांव से टूवर्ड्स पटौदी जाते हैं तो आपको दिखेगा कि रैंप वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। और ये जो चौक है जहां पर काम किया जाना है पिलर को बनाने का, जिसकी मदद से बनकर तैयार होगा फ्लाईओवर, उस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स तो बन चुके हैं, पिलर कैप के काम की तैयारी की जा रही है। पिलर कैप बनाएंगे ना भाई, उसके बाद एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर देंगे आई गर्डर की मदद से, और वही इस जगह पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इस जगह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर हाईवे का पार्ट ही आपको मिलने वाला है, लेकिन याद रखना ये भी एक्सेस कंट्रोल होगा, मतलब कोई कहीं से भी इंटर नहीं कर पाएगा। एक्सेस जहाँ पर दिया होगा ना, जहाँ पर NHAI बोलेगी कि भाई अब यहाँ से तुम इंटर करो, वहीं से कर सकते हो। और यहाँ पर वैसे ये जो चौक है ये बहुत ही बिजी चौक है। जब इस चौराहे से आगे की तरफ बढ़ेंगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी फिलहाल रैंप वाले हिस्से पे काम किया जाना है, साथ ही साथ यहाँ पर सर्विस रोड के ऊपर भी काम किया जाना है। तो इसी वजह से अभी आपको दिखेगा कि इसी पुराने रोड के ऊपर व्हीकल मूवमेंट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी सर्विस रोड बनाया नहीं है, तो पहले सर्विस रोड बनाएंगे उसके बाद ही रैंप का काम होगा ना, क्योंकि ये जो व्हीकल मूवमेंट है इसको तो बंद नहीं कर सकते ना भाई। इसी वजह से यहाँ पर अभी रैंप वाले हिस्से पे काम नहीं किया गया है टूवर्ड्स जब आप पटौदी की तरफ जाते हैं, तो वैसे स्टार्ट कर दिया है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इसको अभी इस वक्त में बना रही है वो है DRA इंफ्राकॉम, उनकी टीम आपको यहां पर मिल जाएगी कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए। जैसे ही एलिवेटेड पार्ट्स के आगे बढ़ोगे तो अगेन हाईवे का पार्ट होने वाला है, और इस हाईवे के पार्ट पे आपको दिखेगा कि जो सर्विस रोड है ये बनकर तैयार हो चुका है, उसी के ऊपर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, और राइट हैंड साइड वाला है मेन कैरेज पे, उसके ऊपर अभी ब्लैक टॉप का काम किया जाना है। अभी ब्लैक टॉप का काम हुआ नहीं है, अभी होगा। सच बताऊं तो ये जो रोड है ना ज़्यादातर यूज़ होने वाला है ट्रेड के लिए, इसी वजह से आपको यहाँ पर देखोगे ना तो बहुत सारे ट्रक्स दिखेंगे, क्योंकि सामने ये कनेक्ट कर रहा है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, जो कि दिल्ली NCR का आउटर रिंग रोड है। तो इन व्हीकलों को उसके ऊपर कनेक्ट करने में ना बहुत आसानी होती है, इसी वजह से ज़्यादातर आपको इस पर कॉमर्शियल गाड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। तो ट्रेड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट बन जाता है, जो कि है गुड़गांव पटौदी रेवारी रोड, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम मैं आपको इस वक्त पे दिखा रहा हूँ।
ये जो जगह देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इस जगह पर आपको दो परियोजनाओं के ऊपर काम देखने को मिलेगा, एक जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि है पटौदी रोड के ऊपर, और दूसरा यहां पर काम किया जा रहा है हरियाणा ऑर्बिटर रेल के ऊपर जो कि हरियाणा के पलवल से स्टार्ट होकर जाएगा सोनीपत हरियाणा तक। और ये एक्चुअली मालगाड़ी और साथ ही साथ पैसेंजर गाड़ी के लिए नई लाइन बनाई जा रही है, और इस पे जो मालगाड़ी दौड़ने वाली है वो डबल डेकर होने वाली है दोस्तों, जिसका स्पीड आप 180 तक भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वो उसी ढंग से किया जा रहा है कि इस पे तेज रफ्तार से मालगाड़ी दौड़ सके। इसका काम ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था और फिर दिखाऊंगा जब इसके दूसरे वाले ब्रिज को इंस्टॉल करने का काम किया जाएगा जो कि अभी बनाया जा रहा है। मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो एक्चुअली दिखाने वाला हूँ इस तरफ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ। एक्चुअली ये जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है इसे केएमपी एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, और ये एक ऐसा रोड है, एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसकी मदद से आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोने में कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जिसका कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिखाया था और आगे भी दिखाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जैसे ही आप वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको दिखेगा कि इस पटौदी रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। यहां पर कोई मेजर स्ट्रक्चर बनाने का है नहीं काम, तो इसीलिए आपको दिखेगा कि हाईवे के पार्ट पे इस जगह पर अभी काम किया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम को बनाने का, उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर वर्क का काम यहां पर है नहीं। तो इसी वजह से जैसा कॉन्सेप्ट आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम बीच में रहेगा और उसके ठीक पैरेलल में सर्विस रोड और मेन कैरिजवे होगा, और ऐसे ही ये आगे जाने वाला है। वैसे सच बताऊं तो इस रोड पे जब आप आते हो तो आपको बहुत सारा कंपनियों का वेयरहाउस यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि उनके लिए अपने व्हीकल मूवमेंट को करना बहुत आसान हो जाता है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मदद से, और इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मदद से वो फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पूरे पटौदी रोड पर आपको अगर देखने को मिलेगा तो बहुत सारे वेयरहाउसेस और वही आपको इस जगह पर देखने को मिलता है। और जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ब्राउन फील्ड का हिस्सा है उस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम बन गए हैं, अब इस जगह पर अगर किया जाना है काम तो वो इसका जो अलाइनमेंट होने वाला है जो कि मेन कैरेज वे और सर्विस रोड का, उसके ऊपर लेन बनाने का डीवीएम वर्क का। और इसी तरफ आप आगे जाएंगे तो आपको पटौदी मिल जाएगा, और यहां से तकरीबन 15 से 20 मिनट आप ड्राइव करेंगे तो आपको रिलायंस के द्वारा बनाया जा रहा एक बहुत ही विशाल सिटी मिल जाएगा जिसे कहते हैं रिलायंस मिड सिटी, उसका भी अपडेट आपको दिखाऊंगा अगली बार। सो ये था अपडेट पटौदी रोड के ऊपर चल रहे डेवलपमेंट का। मिलता हूं जल्दी आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।